मोदी जी तो संसद भवन भी ध्वस्त कर रहे हैं और ये कानून निरस्त हो गए हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये प्रधानमंत्री गुजरात के अडानी अंबानी ने बनाए कि अब बदलाव निश्चित है। दोस्तों मैं हूँ आज मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत में, जहाँ मेरे साथ हैं वेल नोन सोशल वर्कर, पत्रकार और आप सभी के केंद्र, जो हमेशा ये सोचते आए हैं कि सरकार के साथ में जब भी जनता के मुद्दों पर बातचीत होती है कि कैसे ये मुद्दे सुलझेंगे जिसके लिए जनता परेशान है, तो आप इस माननीय मेधा पाटकर जी, इनसे हम बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दे पर, इनसे हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैडम, क्या लग रहा है ये महापंचायतों का जो दौर चला आ रहा है, 12 दौर की बातचीत सरकार के साथ भी हुई, तो क्या कुछ निकलेगा? इसे महापंचायत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये गांव की ताकत एक साथ जिस जन सैलाब में ले आए हैं, लेकिन सही तो ये देश की संसद बन गई है। मोदी जी तो संसद भवन भी ध्वस्त कर रहे हैं और जनतंत्र की हत्या कर चुके हैं, तो फिर अभी जनता ने ही अपने हाथ में कानून बनाने का, कानून बदलने का पूरा अधिकार लेना चाहिए, जो अधिकार ये जन सैलाब ने हाथ में लिया है, इसीलिए अभी ये कानून निरस्त हो गए हैं, ऐसा समझ लीजिए। और जैसे श्रमिकों के खिलाफ के 4 संहिता ला रहे हैं, 29 कानून निरस्त कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बनाते हैं और ये प्रधानमंत्री गुजरात के अडानी अंबानी ने बनाए, तो अभी उत्तर प्रदेश का महत्व है क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है देश का, और उत्तर प्रदेश में आप सभी राज्यों के किसान मजदूरों के प्रतिनिधि आए हैं और वो निश्चित रूप से ये मैसेज दे देंगे देश को कि अब बदलाव निश्चित है। तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है, तो ऐसे में हिंदुस्तान का भविष्य क्या होने वाला है? हिंदुस्तान की जनता जिन संसाधनों पर जीती है वो प्राकृतिक संसाधन है, वो पैसे की पूंजी नहीं है, और उन संसाधनों को ये एक बाजू हस्तांतरित कर रहे हैं और दूसरी बाजू बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता जगह जगह पर आक्रोशित है, आंदोलित है, और ये किसान आंदोलन ने एक जीवटता दिखाकर, 9 महीनों में जन्म होता है वैसे एक परिवर्तनकारी नजरिया का जन्म दिया है, और इसीलिए सभी आंदोलन हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा में 550 संगठन शामिल है, उसी प्रकार से अब 25 सितंबर के भारत बंद में पूरे श्रमिक भी शामिल होने वाले हैं, तो ये हम तो इस जिस प्रकृति के साथ आप सरकार के साथ में हमेशा जन मुद्दों पर बातचीत करती आई है, तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी भूमिका हम सभी के सामने आई है, इस बार थोड़ी देर हुई, ऐसा क्यों? नहीं, कहाँ देर हुई हमारी, नहीं मैं तो 2017 से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के कमेटी की वर्किंग ग्रुप की सदस्य रही हूँ, और 25-26 नवंबर में जब हमारा जत्था आया महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का, तो हमको दिल्ली की सीमाओं पर रोक दिया गया, और वहाँ 2 दिन यूपी की सीमा पर, राजस्थान और यूपी के, और 2 दिन 2 रात हमने वही मुक्काम किया, तो उनको आखिर बॉर्डर खोलने कर हमको दिल्ली जाने देना पड़ा, तो हम लोग तो पहले दिन से जुड़े हैं, और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय है वो पंजाब हरियाणा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक एक राज्य में हो रहा है। जो हम प्राकृतिक संसाधन है हमारे कृषि के अवशेष, उसके आधार पर जिस तरह से हम जैविक ईंधन की तरफ या जैविक संसाधनों की, जैविक ऊर्जा के निर्माण की तरफ बढ़ रहे, तो क्या लग रहा है आपको, ये चीनी जो लोग गन्ना उत्पादक है उनको कोई खतरा है क्या? जैविक विविधता बचाना चाहिए, और जैव पर जीने वाले लोग हैं वो सभी, अभी हमारी नर्मदा में बड़ी जन संसद हुई उसमें हजारों की, वो भी राकेश टिकाई, सुनीलम जी, योगेंद्र यादव जी, हनन मौला सब आए थे, तो वहाँ भी मछुआरों ने, पशुपालकों ने, सभी ने बात रखी, खेत मजदूरों ने, तो वो भी उनको भी लगा कि किसान की परिभाषा में हम लोग सभी को शामिल करते हैं, हमने 2017 से तय किया है, तो इसीलिए ये किसानों की केवल बात जमीन मालिकों तक सीमित नहीं है, मजदूर भी।
यहाँ पर जिस तरह से महापंचायत जारी है तो लोगों का आना जाना जारी है, जिस लड़ाई को लड़ रही है 2017 से लगातार ये लड़ाई चली आ रही है, तो केंद्र सरकार के साथ इनकी मांगे आगे किस स्तर पर जाएंगी और किस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।